स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम गॉस एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड कहाँ पे अप्लाई होता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई किया जाता है कि अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। आपके पास जितनी मर्जी इक्वेशंस हों, अगर 4 इक्वेशंस आएँ, 3 इक्वेशंस आएँ, 5 इक्वेशंस आएँ, 6 इक्वेशंस आएँ, तो आप क्या कर सकते हो, गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम प्रोसीजर देखते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं। हम 3 इक्वेशंस लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। आपको इक्वेशंस क्या गिवन है, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल टू b1, a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इज इक्वल टू b2, a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 इज इक्वल टू b3। ये 3 इक्वेशंस आपको गिवन है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसका x1 का कोफिशियंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका x1 का कोफिशियंट नॉन जीरो है तो यही आपकी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी। अगर आपका x1 का कोफिशियंट जीरो है तो आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे और फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन बना देंगे। अगर सेकंड इक्वेशन का x1 का कोफिशियंट आपका क्या है, नॉन जीरो है, अगर सेकंड इक्वेशन का भी x1 का कोफिशियंट जीरो आ रहा है तो आप थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि जैसे आपको सिस्टम यहाँ पे गिवन है और आपका x1 का जो कोफिशियंट a11 आ रहा है वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में x1 को रिमूव करना है। तो x1 को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को a21 बाय a11 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है सेकेंड इक्वेशन में से। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन को a31 बाय a11 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास सिस्टम क्या बच जाएगा, a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल टू b1, a22x2 प्लस a23x3 इज इक्वल टू b-1 एंड a32x2 प्लस a33x3 इज इक्वल टू b-3। ये सिस्टम बच जाएगा। अब आपने क्या करना है कि थर्ड इक्वेशन में क्या करना है, थर्ड इक्वेशन में से x2 को रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, a-32 डिवाइडेड बाय a-22 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपका थर्ड इक्वेशन में से x2 रिमूव हो जाएगा। अब आपने बैक स्टेपिंग करके, अपने बैक सब्स्टिट्यूशन करके आप क्या करोगे, वैल्यूज़ को फाइंड करोगे। तो अब आपके पास जो लास्ट इक्वेशन बची है वो क्या है, a-33x3 इज इक्वल टू b3" इक्वेशन बच रही है। तो अब आपने क्या करना है, उसको यूज़ करके x3 की वैल्यू निकालनी है। x3 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, x3 इज इक्वल टू b-3 डिवाइडेड बाय a-33। ये आपको x3 की वैल्यू दे देगा। अब आपने सेकंड इक्वेशन में x3 की वैल्यू पुट करके x2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में x3 और x2 की वैल्यू पुट करके x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके ऊपर गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, उसमें आपको इक्वेशंस गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 40, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 13, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है उसमें x का कोफिशियंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में से x को रिमूव करना है। तो x को रिमूव करने के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना है, 2/3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपका सेकंड इक्वेशन में से x जो है आपका रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही आपने 1/3 से मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट इक्वेशन को और सब्ट्रैक्ट कर देना है थर्ड इक्वेशन में से। तो आपकी थर्ड इक्वेशन में से भी x क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास सिस्टम क्या बन जाएगा, सिस्टम क्या बच जाएगा आपके पास, 3x प्लस 4y
प्लस 5z इज इक्वल टू 40 माइनस 17 बाई 3y प्लस 2 बाई 3z इज इक्वल टू माइनस 41 बाई 3 माइनस 1 बाई 3y माइनस 2 बाई 3z इज इक्वल टू माइनस 13 बाई 3। अब आपने क्या करना था, थर्ड इक्वेशन में से y को रिमूव करना है। उसको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को 1 बाय 17 से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, 1 बाय 17 को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सिस्टम क्या बच जाएगा, अब 3x plus 4y plus 5z is equal to 40 minus 17 by 3x plus 2 by 3z is equal to minus 41 by 3 minus 12 by 17z is equal to minus 180 by 51। जो आपकी थर्ड इक्वेशन है वहां से आप z की वैल्यू निकाल लोगे तो z की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो अब 5 जो है आपने z की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, वहां से आप y की वैल्यू फाइंड कर लोगे, y की वैल्यू क्या आ रही है, 3। अब आपने क्या करना है, z की वैल्यू और y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू क्या आ रही है, 1। तो इस तरीके से आपके पास x इज इक्वल टू 1 आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया एंड z इज इक्वल टू 5 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके x y z की वैल्यू फाइंड कर ली।